देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। दौसा के मंडावर में एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मृतक महिला की शिनाख्त में जुटी है। उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित एकलिंगजी मंदिर में धुलंडी के अवसर पर भक्तों का जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल धुलंडी के अवसर पर एकलिंगजी के पट खोले जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा मंदिर के पट नहीं खोले जाने पर भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब एक घंटे तक भक्तों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद भक्तों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर के पट खोले, जिसके बाद भक्तों ने एकलिंगजी के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। आपको बता दें कि एकलिंग के पट भक्तों के लिए केवल धुलंडी के अवसर पर ही खोले जाते हैं। होली के धुलंडी के पर्व पे हम एकलिंगजी गए थे। एकलिंगजी हम गए, वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि आज जो ऊपर हमारे एक विशेष दर्शन होते हैं, जो 365 दिन के अंदर एक दिन हमारे धुलंडी के दिन खुलता है एक घंटे के लिए। हम मेवाड़वासी वहाँ जाके मेवाड़ के जो नाथ हमारे एकलिंगनाथ है वहाँ जाके हम उनके दर्शन करते हैं। इस बार प्रशासन ने किसी कारणवश हो सकता है कि वो ऊपर गेट बंद कर दिया और दर्शन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। हम सभी जनता ने वहाँ जाके विरोध किया और प्रशासन के लिए मनाने के लिए। करौली के मासलपुर थाने के खनपुरा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। अचानक हुए इस विवाद से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसमें दोनों पक्षों की दो महिला समेत 16 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से मासलपुर अस्पताल और करौली राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार जारी है। वहीं घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुभाष बहेड़िया पर एक बार फिर भाजपा ने औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा से दाव खेला है। लगातार दूसरी बार केंद्रीय नेतृत्व भाजपा ने बहेड़िया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहेड़िया को टिकट मिलने की घोषणा के साथ ही सांसद बहेड़िया के घर नेताओं और उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। टिकट घोषणा के सबसे पहले निवर्तमान सांसद बहेड़िया पंचमुखी दरबार आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महंत राजा राम दास महाराज की समाधि पर भी माथा टेका है। सभी कार्यकर्ताओं का यह विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने, आम जन का भी है और इसी इच्छा को पूरी करने सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट होकर एकजुट होकर यह काम करेंगे और माननीय मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने किशनगढ़ के पूर्व विधायक भागीरथ चौधरी को अजमेर लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं सांसद चुनाव में भागीरथ चौधरी को टिकट मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी के आवास पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश को चौकीदार की जरूरत है, मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रदेश में सरकार थी 2013 से 18 में। इस 2018 के अंदर राजस्थान का सर्वांगीण विकास हुआ, इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र का विकास हुआ, मुझे भी किसान का विधायक बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर डे 1 करोड़ रुपए का काम विकास का यह करवाया गया। 5 साल में जितने दिन है उतने एक दिन का 1 करोड़ का काम यह करवाया गया, परंतु कांग्रेस ने आम जनता को बरगला कर सबसे पहले उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। मैं किसान का बेटा होने के नाते उन्होंने कहा यदि हम सत्ता में आ गए तो 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने झूठ बोलकर जनता को बरगला कर किसानों को बरगला कर उन्होंने सत्ता दिया नहीं, उन्होंने युवाओं को ठगा। उन्होंने कहा हम सत्ता में आते ही हम उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे।
सुमेरपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ गैर नृत्य देखने को मिला, जिसमें दुजाना और नोवी गांव के ग्रामीणों ने गैर नृत्य का एकता का संदेश दिया। इस दौरान ग्राम सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर नृत्य किया। इस मौके पर पुलिस के माकूल भी बंदोबस्त रहे। बारा के छीपा बड़ोद में रंगों का त्योहार होली कस्बे सहित आसपास के गांवों में जमकर मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से ही बच्चों के साथ बड़े भी अपने हाथों में रंग लेकर सड़कों पर निकले। लोगों ने एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। जोधपुर के ओसिया के सामराव गांव में चिकित्सा विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां चिकित्सा विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। गौरतलब है कि ओसिया के निकटवर्ती भीमसागर गांव के पास गुरुवार शाम को सड़क पर अचानक जानवर के आ जाने से एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बाइक पर सवार कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से घायल को सामराव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ मिला, जिससे समय पर इलाज नहीं मिलने से घायल कैलाश लोहार ने दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर लोहावट से एम्बुलेंस सामराव पहुंची और मृतक के शव को एम्बुलेंस से लोहावट सीएचसी में ले जाया गया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चित्तौड़गढ़ से। सीपी जोशी बने एक बार फिर प्रत्याशी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी को मिला है मौका। सूची में नाम आते ही सीपी जोशी पहुंचे सांवरिया सेठ के दरबार में। शीर्ष नेतृत्व का किया है आभार व्यक्त। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीपी जोशी एक बार फिर प्रत्याशी बने हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी को मौका मिला है। वहीं सूची में नाम आते ही सीपी जोशी पहुंचे हैं सांवरिया सेठ के दरबार में। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी को मौका मिला है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी का नाम सामने आया है। वहीं सीपी जोशी का नाम सामने आने के बाद सांवरिया सेठ के दरबार में वो दर्शन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है गोपाल चतुर्वेदी। जी गोपाल, लोकसभा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी को मौका मिला है, कैसा नजारा है उनके क्षेत्र में इस वक्त? मैं बताऊंगा अर्पिता की यहाँ पर लगातार दूसरी बार सीपी जोशी को प्रत्याशी बनाया है। जो उनका पहला कार्यकाल यहाँ पर रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम कराए हैं और लोग याद कर रहे हैं कि सीपी जोशी ने जो कार्यकाल में काम कराए हैं 20 सालों में नहीं हुए हैं। जी गोपाल, तो क्या कुछ लोगों में उत्साह नजर आ रहा है सीपी जोशी एक बार फिर प्रत्याशी चयनित हुए हैं? बिल्कुल अर्पिता, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अब बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएगी जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है कांग्रेस से, क्योंकि सीपी जोशी की जीत लगभग यहाँ पर तय मानी जा रही है। जी बिल्कुल गोपाल, तो सीपी जोशी एक बार फिर खुशी दिखाई दे रही है उनकी और वो सांवरिया सेठ के दरबार भी पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल, रात को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने उनका किया था, तो बहुत खुशी है उनके चेहरे पर और वो अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त भी हैं। जी बिल्कुल गोपाल, तो सीपी जोशी से आपकी बात जरूर हुई होगी, तो उनकी क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? बिल्कुल, आज सुबह से उनका मीटिंग का दौर प्रारंभ हो गया है, कार्यकर्ताओं पर पदाधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है और मैं थोड़ी देर बाद फिर उनसे मिलने का प्रयास करूंगा और भविष्य की जो जानकारियां हैं और क्षेत्र के लिए जो कार्य करने वाले हैं उनकी जानकारी लूंगा। जी गोपाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी एक बार फिर मैदान में है। बड़ी खबर झालावाड़ से, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल नागेश्वर पहुंचे। नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद कुछ देर की पूजा अर्चना। आपको बता दें
मंदिर तीर्थ पेड़ी द्वारा किया गया है धारीवाल का बहुमान। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता हरिमोहन जी। हरिमोहन, यूडीएच मंत्री दौरे पर हैं, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बात करें तो अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस तरीके जो आज नेता लोग जो दौरा कर रहे हैं, इसी के तहत शांति कुमार धारीवाल भी यहाँ झालावाड़ आए हुए हैं और कार्यकर्ता से मीटिंग ले रहे हैं, जैन तीर्थ के दर्शन भी किए हैं और उसके बाद ये झालावाड़ जिले में आके जिला मुख्यालय पे आके मीटिंग लेंगे। बिल्कुल हरिमोहन, तो उनके साथ और कौन कौन से दिग्गज मौजूद हैं? देखिए, 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री जो झालावाड़ आगमन है उसको लेकर कई तरीके से तैयारियों का जायजा जो लेंगे और स्थानीय जो नेता है उनके साथ ही है। जी बिल्कुल, तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री का वहां पर दौरा है, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ धारीवाल द्वारा जो है देख रेख की जा रही है? जी, धारीवाल अभी आज झालावाड़ में आएंगे और राधा रमन जहाँ पे की मुख्यमंत्री की जो सभा होगी उसका उस जगह का दौरा किया जाएगा। जी हरिमोहन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से अज्ञात वाहन और स्कॉर्पियो में टक्कर, हादसे में एक की मौत और एक घायल। पुलिस घटना की फिलहाल जांच में जुटी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर करधनी थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, अज्ञात वाहन और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं दीपक चावला। जी दीपक, क्या है पूरी घटना? अर्पिता, संभवतः ये देर रात 12 बजे के बाद की ये घटना है, जब करदनी इलाके के अंदर सुनसान जगह से ये स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर दो व्यक्ति मौजूद थे। इसके पीछे से एक अज्ञात वाहन जिसकी रफ्तार काफी तेज थी, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो वाहन ट्रक था, ट्रैक्टर था या फिर कुछ और था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। स्कॉर्पियो को टक्कर मारी, इसके अंदर एक व्यक्ति का नाथूलाल गुर्जर जिसका नाम है उसकी अब मौत हो गई और इसके अलावा इसका जो साथी है वो घायल हो गया है, वो भी गंभीर घायल है। तो बताया जा रहा है कि जो हादसा है, जो टक्कर है, वो काफी तेज थी। हिट एंड रन का पूरा ये मामला है। जयपुर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि तेज रफ्तार हिट एंड रन का मामला सामने, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे मामले में एक की मौत हो चुकी है और एक घायल हो चुका है। संभवतः जो पूरा मामला है वो शराब ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करदरी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और जो आसपास में लगे थे सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाला जा रहा है और उस वाहन की तलाश की जा रही है जिसने उस दिन स्कॉर्पियो को टक्कर मारी। बिल्कुल दीपक, तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजधानी में ऐसे कई मौके हो चुके हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी है, तो प्रशासन से आपकी बात जरूर हुई होगी, तो उनका क्या कहना है इस पूरे वाकया पर, कब तक अंकुश लग पाएगा इस तेज रफ्तार के कहर पर? बिल्कुल अर्पिता, आपने ठीक कहा, तेज रफ्तार पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को पहल करनी होगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस अपने स्तर पर काम भी करता है, लेकिन व्यक्ति जो आम व्यक्ति होता है जो गाड़ी चलाता है उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वह शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाए, क्योंकि उसकी कुछ छोटी सी गलती से किसी सामने वाले पे भारी पड़ सकता है, उसके परिवार पे भारी पड़ सकता है। इसलिए शराब नहीं पीकर गाड़ी चलाने और रफ्तार जो है कंट्रोल में रखकर चलानी चाहिए। ऐसी रफ्तार होने से जिसे समय रहते इमरजेंसी के समय काबू कर लिया जाए, इस तरह की रफ्तार होनी चाहिए, तेज रफ्तार नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशासन हम इस तरह काम करता है, आम पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव अमूमन ऐसे मामले होते हैं जिसमें हादसे होते हैं तो शराब पीकर ही होते, तो इसको कंट्रोल करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर शराब पीता था वो गाड़ी नहीं चलाए। फिलहाल अपने जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है और इसी मामले में जांच कर रही है। जो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है, देखना ये होगा पुलिस कब तक जो अज्ञात वाहन है उसको खोज कर इसका जो चालक है उसे गिरफ्तार कर पाती। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया और आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर थी। और अगली बड़ी खबर, जयपुर से अजमेर रोड पर ट्रक और मिनी बस में भिड़ंत, एक की मौत और 20 घायल। बस जा रही थी अजमेर की तरफ,
बगरू थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अजमेर रोड पर ट्रक और मिनी बस में भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 20 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें अजमेर की तरफ ये बस जा रही थी, बगरू थाना इलाके की ये घटना है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक चावला। जी दीपक, पूरा मामला क्या है, क्या घटना है ये पूरी? देखिए अजमेर रोड पर मैं आपको बताता हूँ, अजमेर रोड की ये घटना है, जहाँ पर बस अपने रास्ते पर जा रही थी, ठीक ठाक जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो ट्रक ड्राइवर है वो डिवाइडर कूद कर दूसरी तरफ आ गया और उसके बाद उसने मिनी बस को टक्कर मार दी। मिनी बस के अंदर काफी यात्री थे, संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन करीब 20 लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको घायल हुए, मामूली सी चोट आई है, एक अच्छी बात है उनको मामूली चोट आई है, लेकिन एक दुखद खबर ये भी है, इस पूरे मामले में एक व्यक्ति, एक यात्री की मौत हो चुकी है। देवलिया जो कट है वहां की एक घटना है, जो की बगरू थाना इलाके में आता है। जो ट्रक ड्राइवर है माना सुनने में आ रहा है, पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि उसको झपकी लग गई थी, देर रात से वो ट्रक चला रहा था, उसको झपकी लग गई थी, उसके चलते उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और वो जो ट्रक है दूसरी तरफ जा गिरा और वहां पर जो है मिनी बस जा रही थी अजमेर जा रही थी, उससे उसका हादसा हो गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है, 20 लोग इसमें घायल है, एक व्यक्ति की अभी तक मौत हो चुकी है और बगरू थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पता लगाया जा रहा है कि इसके हादसे का मुख्य कारण क्या है। फिलहाल जो जांच में सामने आया वो यही आया है कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसको धक्की लग गई थी, जो की कानूनी कार्रवाई आगे की वो यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, तो 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो घायलों की अभी स्थिति क्या है? देखिए मेरी अभी स्थानीय पुलिस जो बगरू थाना है उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, हालांकि जो 20 लोग घायल हुए उनको एक अच्छी बात है कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई है, किसी के कोहनी में, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे मामूली चोट आई है। तो संभव से घंटे डेढ़ घंटे बाद उन्हें जो पास का जो निजी अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया, संभव थे उन्हें कुछ देर बाद जो है छुट्टी दे दी जाएगी। फिलहाल कह सकते हैं कि रात की खबर है कि 20 जो घायल है उनको जल्द छुट्टी दी जाएगी, उनके कोई। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर झुंझुनू से, बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी की घोषणा की है। मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ को लोकसभा चुनाव में बनाया गया है प्रत्याशी। वर्तमान सांसद संतोष अहलावत अपने सूरजगढ़ आवास पर कर रहे हैं बैठक। बैठक में हो सकता है झुंझुनू भाजपा में कोई बड़ा बदलाव। आपको बता दें बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी की घोषणा की है। मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी की घोषणा की है। नरेंद्र कुमार कीचड़ को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है और वर्तमान सांसद संतोष अहलावत अपने निवास स्थान पर एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। इस बैठक में झुंझुनू भाजपा में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ को झुंझुनू लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। वर्तमान सांसद संतोष अहलावत अपने सूरजगढ़ आवास पर एक बैठक आयोजित करेंगे और इस बैठक में हो सकता है झुंझुनू भाजपा में कई बड़े बदलाव। आपको बता दें बीजेपी ने अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी का चयन कर लिया है। आपको बता दें बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। वर्तमान सांसद संतोष अहलावत अपने सूरजगढ़ आवास पर एक बैठक आयोजित करने वाले हैं और इस बैठक में हो सकता है झुंझुनू भाजपा में कई बड़ा फेरबदल।
झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी ने झुंझुनू प्रत्याशी का चयन किया है। मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें झुंझुनू भाजपा में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। बीजेपी के मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार कीचड़ को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। वहीं वर्तमान सांसद संतोष अहलावत अपने सूरजगढ़ आवास पर बड़ी बैठक आयोजित कर रहे हैं और इस बैठक में हो सकता है झुंझुनू भाजपा में कई बड़े बदलाव। तो मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।